जम्मू कश्मीर में बढ़ी अशांति को लेकर राहुल गांधी ने साधा केंद्र पर निशाना। राहुल बोले, कश्मीर में 5 महीने में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद, बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त। सपा नेता आजम खान से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। आजम से मिलने सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे सपा प्रमुख, पूछा हालचाल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी मामले में तेज हुई राजनीति। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम केजरीवाल पर साधा निशाना, बोली काले धन के मालिक सत्येंद्र जैन को क्यों बचा रहे हैं केजरीवाल। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस। 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया, कांग्रेस का दावा नेशनल हेराल्ड केस में भेजा गया है नोटिस। सिंगर केके के निधन के मामले में तेज हुई जांच। मामले में पड़ताल करने ओवरॉय ग्रैंड होटल पहुंची कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम। बीते दिन कोलकाता में हुआ बॉलीवुड के मशहूर गायक का निधन। कुतुब मीनार विवाद के बीच हैदराबाद में चार मीनार पर शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस नेता ने चार मीनार पर नमाज पढ़ने की मांगी इजाजत, नजदीक के मंदिर को बताया अतिक्रमण। राजस्थान चुनाव को लेकर ओवैसी ने कसी कमर। AIMIM ने राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान, बोले हम सिविल कोड के खिलाफ। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी, राम मंदिर के गर्भगृह का किया शिलान्यास। सीएम बोले, 500 साल का था इंतजार, ये होगा देश का राष्ट्र मंदिर। यूपी सरकार का नया फरमान, अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास नहीं बिकेगी शराब, दुकानों के लाइसेंस किए गए निरस्त। बिहार में गरमाएगी सियासत, जातीय जनगणना पर आज होगी सर्वदलीय बैठक, नीतीश का साथ दे सकते हैं तेजस्वी। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भारत के साथ व्यापार को लेकर बोले, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि भारत के साथ व्यापार से पाकिस्तान को मिल सकता है बड़ा फायदा, लेकिन कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी के बिना व्यापार के रास्ते खुलना संभव नहीं। रूस पर अटैक कर सकता है यूक्रेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की घोषणा। यूक्रेन की मदद करने के लिए भेजेंगे लंबी दूरी की मिसाइल, यूक्रेन की तरफ से पहले ही की गई थी मांग। पाकिस्तान की न्याय प्रक्रिया से तंग हुई महिला, लाहौर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद अमीर भुट्टी से कहा, अगर वो उसे न्याय नहीं दे सकते तो भारत भेज दो। 5 मरला की संपत्ति को लेकर 3 दशकों से ज्यादा समय से चल रही लड़ाई। नेपाल ने उड़ानों के परिचालन के लिए नियमों को किया सख्त, अब खराब मौसम में उड़ानों पर लगाई रोक। मुस्तांग जिले में हुए विमान हादसे की जांच के बाद उठाया ये बड़ा कदम। ब्राजील में बाढ़ बारिश का कहर, 106 लोगों ने गवाई जान, 10 लोगों के लापता होने की खबर। सिंगर केके के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को लगा झटका। केके के दोस्त शान ने दुख जाहिर करते हुए दी श्रद्धांजलि, भावुक ट्वीट कर कहा, जिंदगी आपको धीरे धीरे करके तोड़ती है और कभी कभी बर्बाद कर देती है। कांस को लेकर अक्षय कुमार का बड़ा खुलासा, बोले पहली बार आया कांस से न्योता, इससे पहले कभी नहीं बुलाया गया, मैंने शायद कोई ऐसी फिल्म ही नहीं की जिसकी वजह से मुझे कांस के लिए आमंत्रित किया जाए। पंजाब नेशनल बैंक ने बढ़ाई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स, 0.15% तक कर दी गई है बढ़ोतरी, इससे महंगी हुई बैंक के लोन की EMI। जून महीने में 8 दिन रहेंगे बैंक बंद, रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां हैं शामिल, वीकेंड के अलावा होंगी 2 दिन बैंकों की छुट्टियां। IPL 2022 सीजन में मुंबई इंडियंस का निराशाजनक रहा प्रदर्शन, तो कप्तान रोहित शर्मा ने की खिलाड़ियों की जमकर तारीफ, बोले अगले सीजन में जबरदस्त कमबैक करेगी मुंबई इंडियंस।